इसी के साथ संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे राकेश गुप्ता अंकल को। राकेश अंकल आए और सत्संग शेयर करें। सबसे पहले गुरु जी को सादर प्रणाम और संगत को नमस्कार। सत्संग शुरू करने से पहले, मेरा नाम राकेश गुप्ता है और बाय प्रोफेशन आई एम ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो हमारे गुरु जी हैं, गुरु जी भगवान है, गुरु जी इज द सुप्रीम अथॉरिटी और हर संगत की लाइफ में वो दिन सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, बड़ा भाग्यशाली दिन होता है, गोल्डन डे होता है, जिस दिन गुरु जी किसी को अपने यहाँ बुलाते हैं। अब गुरु जी के बुलाने के ढंग है, जैसे भक्त और भगवान का डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, सिमिलरली गुरु जी के यहाँ जो संगत जाती है या जिसका भी गुरु जी के साथ कनेक्शन है, सबका डायरेक्ट है। जो भगवान और भक्त के बीच में जैसे कोई मीडिएटर नहीं होता, सिमिलरली गुरु जी और गुरु जी की जो संगत है या जो गुरु जी के भक्त हैं, उनके बीच में कोई सी बिचौलिए की या मीडिएटर की जरूरत नहीं होती। और ये गुरु जी डिसाइड करते हैं कब किसी को अपने यहाँ बुलाना है या कब कोई किसी के अंदर पात्रता होती है कि गुरु जी के दर्शन करने के लिए या गुरु जी के मंदिर पहुंचने के लिए। अब जैसे हमें कोई 2002 से बोल रहा था रेगुलर कि हमारे गुरु जी साक्षात भगवान शिव है, सुप्रीम अथॉरिटी है, तो आप चलो, लेकिन हमारा टाइम नहीं आया था, क्योंकि गुरु जी के दरबार में कोई तभी पहुंच सकते हैं जब गुरु जी की स्पेशल कृपा गुरु जी की उसके ऊपर हो या गुरु जी का बुलावा आए या गुरु जी उसको बुलाना चाहते हो। तो मेरा कोई फ्रेंड है जो हमारी सोसाइटी में रहता था, वो 2002 से हमें बोल रहा था कि ऐसे ऐसे हमारे गुरु जी महाशिव है और आप चलो। लेकिन उस टाइम हमें लगता था जितने भी साधु संत महात्मा या गुरु वगैरह होते हैं तो सब फ्रॉड होते हैं या पैसा लूटने के लिए ही, मतलब वो अपना बिजनेस चलाते हैं। उस चक्कर में हम लेट हो गए। उसके बाद 28 जनवरी 2006 का दिन हमारा गोल्डन डे ऑफ लाइफ है, जब गुरुजी का गुड़गांव में आगमन हुआ। तो मेरे दोस्त के 3-4 फोन आए कि गुरुजी कल गुड़गांव में आएंगे, तो आप दिल्ली तो उनके दर्शन करने आए नहीं, तो आज आप जरूर आना। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, तो वाइफ ने भी मना कर दिया, मैं तो किसी गुरु वगैरह के चक्कर में पड़ती नहीं, तो आप अकेले चले जाना। मैंने कहा नहीं, जाएंगे तो इकट्ठे ही जाएंगे। तो अल्टीमेटली जब दोस्त का 3-4 बार फोन आया, तो फिर वाइफ ने जाने से पहले ये कंडीशन लगा दी कि ठीक है मैं चलती तो हूँ, ताकि दोस्त नाराज ना हो जाए। हमारी गुरुजी से मिलने की कोई इच्छा नहीं थी, ये था कि दोस्त नाराज ना हो जाए। तो वाइफ रेडी होगी, लेकिन जाने से पहले उसने कंडीशन लगा दी कि सर उधर तो चलेंगे गुरुजी के पास, लेकिन मेरी तरफ देखते रहना, जैसे मैं इशारा करूं तो बस वापिस चलेंगे और लंगर तो हम करेंगे ही नहीं। लेकिन जब हम 28 जनवरी 2006 को गुरुजी लेजर वैली ग्राउंड में आए थे गुड़गांव के अंदर, तो जब हम गए तो जैसे ही हमने गुरुजी को देखा या गुरुजी की नजर हमारे ऊपर पड़ी, तो समझो तब से और आज का दिन है हम गुरुजी के ही होके रह गए। और वहां पे हम 3-4 घंटे बैठे रहे, जल प्रसाद भी लिया, लंगर प्रसाद भी लिया, और उसके बाद हम श्याम को अपने घर पे आ गए। और एक बार ही गुरुजी के यहाँ जाने से गुरुजी की ये लीला हुई कि जब घर पे हम आए, तो आने के बाद मैं दाएं देखता हूँ, बाएं देखता हूँ, ऊपर देखता हूँ, नीचे देखता हूँ, चारों तरफ मुझे ये लगता है जैसे गुरुजी फिजिकली प्रेजेंट है, मतलब गुरुजी का ही रूप नजर आने लग गया घर के अंदर। नॉट ओनली टू मी, लेकिन मेरी वाइफ को, बच्चों को, सबको, मतलब ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी का ओरा हमारे चारों तरफ है। और जब हम गुरुजी के पास जाना शुरू हुए, उससे पहले मैं मॉर्निंग और इवनिंग में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता था। जब गुरुजी के दर्शन हुए उसके बाद भी मैं करता रहा पाठ, 11 बार हनुमान चालीसा का मॉर्निंग में और 11 बार शाम को इवनिंग में। लेकिन जब गुरुजी के कनेक्शन हुए कुछ दिन हो गए, तो जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता था तो हनुमान जी की फोटो की जगह गुरुजी की फोटो ही मुझे नजर आने, गुरुजी का स्वरूप ही मुझे नजर आना स्टार्ट हुआ। तो मैंने कहा जब हनुमान चालीसा का नाम, हनुमान चालीसा पढ़ने से भी गुरुजी का ही स्वरूप नजर आ रहा है, तो इससे बेटर तो यह है गुरुजी 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 ही करो। तो हनुमान चालीसा का पाठ मैंने फिर उसके बाद करना बंद कर दिया। यह सिर्फ उसके बाद बस गुरुजी 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 अपने आप में ही एक पूर्ण मंत्र है। और गुरुजी हमारे साक्षात भगवान है, सुप्रीम अथॉरिटी है। जैसे भगवान के हाथ में होते जन्म मरण लाभ हानि भगवान के हाथ में होता है, सिमिलरली हमने अपनी आंखों से ऐसे केस देखे हैं जहां पे गुरुजी ने, जिसको डॉक्टरों ने डेड डिक्लेयर कर दिया, उसकी गुरुजी ने लाइफ एक्सटेंड की। जिसको बिजनेस लॉस में चल रहा था उसका प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते थे उनके यहाँ गुरुजी ने, मतलब, बच्चा ब्लेस किया। तो ये चीजें सिर्फ भगवान ही कर सकता है।
और जब हम गुरुजी के पास कनेक्ट होते हैं या जब भी हम गुरुजी के पास जाते हैं, तो हर स्टार्टिंग में हर बंदे हर संगत के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि गुरुजी भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान को हम ये सुनते हैं भगवान निराकार होते हैं, भगवान फिजिकल फॉर्म में नहीं हो सकता। लेकिन हम साथ में ये भी भूल जाते हैं कि अभी तक पृथ्वी लोक में जितने भी भगवान आए, हर भगवान फिजिकल फॉर्म में ही आया। जैसे भगवान राम आए वो भी फिजिकल फॉर्म में आए, भगवान कृष्ण आए वो भी फिजिकल फॉर्म में आए। और जब भी भगवान फिजिकल फॉर्म में आते हैं तो उस टाइम हर भगवान के नजदीक रहने वाले लोगों की जो संगत है वो बड़ी लिमिटेड होती है। और भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि जब तक वो फिजिकल रूप में रहते हैं तो इवन उनके पेरेंट्स भी 100% ये नहीं मानते कि वो भगवान है। उनको लगता है कि ये बहुत परम शक्ति है या बहुत ज्यादा ये कुछ कर सकते हैं, बहुत ज्यादा चमत्कारी है, लेकिन भगवान नहीं मानता, क्योंकि किसी को ये भरोसा नहीं होता कि क्या हमारे कर्म इतने अच्छे हैं कि हम अपने सामने भगवान को देखते हैं। सिमिलरली जैसे भगवान राम आए तो रावण इतना इंटेलिजेंट था, तीनों वेदों का ज्ञाता था, वो भी नहीं पहचान सका कि भगवान राम है, उसके उनके पेरेंट्स नहीं पहचान सके। सिमिलरली जब भगवान कृष्ण आए तो जो कंस वगैरह है या उनके जो परिवार के लोग थे भगवान कृष्ण के, वो नहीं पहचान है। सिमिलरली गुरु जी के पास जो संगत जाती है या जाती रही है फिजिकल फॉर्म में भी, हर कोई अपने ऊपर होता था, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमने इतने बुरे बुरे पाप किए हुए हैं, फिर भी क्या हमें भगवान फिजिकल दर्शन दे सकते हैं। लेकिन वो हमारा भ्रम था, क्योंकि गुरु जी ने ऐसी ऐसी चीजें की हैं जो भगवान के अलावा कोई और कर नहीं सकता। जैसा कि मैंने बताया, जन्म मरण लाभ हानि, ये सारी चीजें गुरु जी ने हमेशा की हैं और अब भी कर रहे हैं। और हमारे गुरु जी का मंदिर जो है, मेरे हिसाब से जितना हमने देखा है, जितना हम घूमे हैं, कि गुरु जी का मंदिर पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में नंबर वन मंदिर है। और ये मंदिर अपने आप में यूनिक मंदिर है। यूनिक मंदिर मीन्स इस मंदिर में जितनी भी चीजें होती हैं एंट्री से लेके एग्जिट तक, वो किसी भी और मंदिर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसा नंबर वन नौ घंटी, हर मंदिर में जाओ तो घंटी या घंटा लगा होता है जिसको बजाते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। तो एक बार गुरुजी से किसी ने पूछा कि गुरुजी हर मंदिर में घंटी होती है तो यहाँ पे आपके यहाँ तो घंटी है नहीं, तो इसका क्या कारण है? तो गुरुजी ने ये कहा था कि हर जगह भगवान कुछ टाइम सोते हैं, लेकिन मैं तो 24 घंटे मतलब वो रहता हूँ अपनी संगत के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाने के लिए, इसलिए घंटी बजाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है जब तुम घर से मंदिर के लिए चलते हो तो भी मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, जब मंदिर से आप घर जाते हो तो भी मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। हमारे मंदिर में, गुरु जी के मंदिर में कोई पंडित नहीं है। हर मंदिर में पंडित मिलेगा जो भ्रम में डालते हैं। गुरु जी के मंदिर में कोई पंडित नहीं है, एंट्री से लेके एग्जिट तक हर जगह सेवादार होते हैं, जो सारे मतलब अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज लोग होते हैं, बोलते भी अच्छे ढंग से हैं, हर संगत के अंदर भी गुरु जी का रूप देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और तीसरा, प्रवचन नहीं होते, क्योंकि जितने भी लोग प्रवचन करते हैं, जितने भी कथावाचक हैं, टीवी चैनलों पे आते हैं, वो सिर्फ प्रवचन करते हैं, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसलिए हमारे यहाँ गुरु जी के यहाँ शब्द चलते हैं और हर शब्द में हमें कुछ ना कुछ समझने को मिलता है। और गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में रहे हैं तब भी जिनके माइंड में जो भी क्वेरीज होती थी, गुरु जी कहते थे शब्द ध्यान से सुनो, उसके अंदर आपको अपनी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो गुरु जी के यहाँ प्रवचन नहीं होते, शब्द चलते हैं और शब्दों के थ्रू ही हर चीज के आंसर मिलते हैं। उसके बाद तो गुरु जी के मंदिर में जो प्रसाद मिलते हैं, जैसे चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, जलेबी प्रसाद, जैसे मंडे को पहले समोसा प्रसाद, जलेबी प्रसाद मिलता है, या रूटीन में चार लोग एक प्लेट में लंगर करते हैं, ऐसा पूरे वर्ल्ड के किसी भी मंदिर में नहीं होता कि एक प्लेट में चार लोग लंगर करें, सिर्फ गुरु जी के दरबार में ही ये अलग सिस्टम है। और सबसे यूनिक सिस्टम गुरु जी के मंदिर में ये है कि गुरु जी के मंदिर में चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए, चाहे एक नॉर्मल पर्सन आए, सबके लिए सेम लंगर है, सेम सिस्टम है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा था जब गुरु जी के दरबार के अंदर बड़े बड़े मिनिस्टर, हमने अपनी आंखों से मनमोहन सिंह को, मुरली मनोहर जोशी को, शत्रुघ्न सिन्हा को, वसुंधरा राजे सिंधिया वगैरह हमने देखा है, लेकिन हर बंदा सेम उसी लाइन में होता था जिसके अंदर आम संगत होती थी। अदरवाइज गुरुजी के मंदिर के अलावा या गुरुजी के दरबार के अलावा जितनी भी जगह है, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। जो बड़ा पॉलिटिशियन हो या बड़े पद पे हो, बड़ी प्रतिष्ठा वाला हो, उसको जल्दी एंट्री मिल जाती है, बैकडोर से भी एंट्री हो जाती है, लेकिन गुरुजी के यहाँ सबके लिए सेम सिस्टम है, सेम प्रसाद है, सेम एंट्री का सिस्टम है, सेम एग्जिट का सिस्टम है। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे 90% कर्म माफ कर देता हूं और 10% को सहने की शक्ति देता हूं, लेकिन
और सबसे बड़ी जो चीज है, जो भी संगत अपने आप को देखेगी, जो भी संगत जो गुरु जी के साथ जिस दिन कनेक्ट हुई है, मैं 100% गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि उसकी लाइफ का ग्राफ या तो स्टेबल रहा होगा या अपसाइड रहा होगा, डाउन साइड नहीं जा सकता। मतलब जिस परिस्थिति में हम गुरु जी के दरबार में या गुरु जी के दर्शन के लिए जाते हैं, हमारी लाइफ का ग्राफ हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, हैप्पीनेस वाइज, उससे डाउन नहीं जा सकता। या तो स्टेबल रहेगा या अप जाएगा। अब कितना अप जाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन गुरु जी की बातें मानते हैं। जैसे सारी संगत में एक तो समानता है कि सारी संगत गुरु जी को तो मानती है, लेकिन जो गुरु जी ने बेसिक रूल्स बताए उसको ज्यादातर संगत नहीं मानती। जैसे सबसे पहला गुरु जी का आदेश है कि यदि आप मंदिर में जाते हो, गुरु जी के किसी भी प्रोग्राम में जाते हो, छोटे मंदिर जाते हो, बड़े मंदिर जाते हो, सत्संग में जाते हो, तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखो। एक बार किसी संगत ने पूछा गुरु जी से कि गुरु जी इसको वाइब्रेशन मोड पे रख ले मोबाइल को। गुरु जी ने फिर कहा कि वाइब्रेशन आपको एक जगह से मिलेगी, या तो मोबाइल से ले लो या मेरे से ले लो। तो ये ऑप्शन संगत की है कि जो भी संगत मंदिर में जाती है उसको अपना मोबाइल या तो गाड़ी में रख के जाना चाहिए या स्विच ऑफ कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपना मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं तो इट मीन्स हमने गुरु जी की एक आज्ञा मानी, और जो भी हम भगवान की आज्ञा मानते हैं, हर आज्ञा के बदले में भगवान कुछ ना कुछ हमें देते हैं, और यदि हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो ये सिर्फ हमारे गुरु जी उसका कोई पुनिशमेंट नहीं देते। तो इसलिए यदि हम मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं तो हमने गुरु जी की आज्ञा मानी, उसके बदले में गुरु जी डेफिनेटली कुछ ना कुछ देंगे, जो हमें आज पता चलेगा या उस टाइम के बाद पता चलेगा, लेकिन देंगे 100%। लेकिन मैक्सिमम संगत मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करती। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि गुरु जी के आदेश को मानते हुए हर बंदे को, जैसे गुरु जी के टाइम में मोबाइल स्विच ऑफ होता था, वैसे ही स्ट्रिक्टली हमें मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना चाहिए ताकि हमें गुरु जी की ज्यादा ब्लेसिंग्स मिले। उसके बाद गुरु जी कहते हैं कि गुप्त सेवा, गुप्त पाठ, गुप्त दान। गुप्त पाठ का मतलब यह है कि गुरु जी कहते हैं जब तुम पाठ करते हो या भगवान का नाम लेते हो तो तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए कि आप गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए पाठ कर रहे हो या भगवान को प्रसन्न करने के लिए पाठ कर रहे हो, ना कि पड़ोसी को प्रसन्न करने के लिए या रिश्तेदारों को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए गुरु जी का नाम सवेरे लो, शाम लो, दोपहरे लो, बेड पे बैठ के लो, बाथरूम में लो, कहीं पे भी लो, लेकिन गुप्त तरीके से लो कि होड़ भी ना फड़फड़ाए। वो सबसे बढ़िया पाठ है जो गुरु जी ने बताया। इस तरह गुप्त दान, गुरु जी कहते हैं कि कलयुग के अंदर यदि आपने कोई भी चीज डोनेट की और जिसका आपने ज्यादा मतलब गाया, एडवर्टीजमेंट की, अखबार में छपाया या लोगों के सामने दिया, उस दान की कोई महिमा नहीं है। और गुरु जी के शब्द भी चलते हैं कि कलयुग के अंदर यदि कोई सोना भी दान कर दे अपने वेट के बराबर, उसका भी कोई पुण्य नहीं है, यदि उसने उसको मतलब दिखा के दिया या 10 लोगों को दिखा के दिया तो। उसके बाद कहते हैं गुरु जी गुप्त सेवा। गुप्त सेवा का मतलब जो गुरु जी कहते हैं कि सेवा भी आप ऐसे करो जो गुप्त रहे। ये नहीं कि सेवा इसलिए करो कि लोग देखें और लोग कहें ये बहुत बड़ा सेवादार है या ये बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं। और गुप्त सेवा जो गुरु जी ने बताई, गुरु जी ने कहा कि यदि किसी घर में हस्बैंड वाइफ की सेवा करता है, वाइफ हस्बैंड की सेवा करती है और सास बहू की सेवा करती है और बहू सास की सेवा करती है, उस घर में स्वर्ग वाला एटमोस्फियर होता है और उस घर में मैं हमेशा निवास करता ही हूँ। उसके बाद गुरु जी कहते हैं कि जब आप मेरे मंदिर में या मेरी किसी भी दरबार में, सत्संग में, छोटा मंदिर बड़ा मंदिर एंटर करो, अकल और रफल बाहर छोड़ के आओ। अकल मीन्स माइंड। गुरु जी कहते हैं कि मेरा काम वहां पे स्टार्ट होता है जहां पे साइंस एंड होती है। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब गुरु जी अपना एक्शन दिखाते हैं, ये जहां पे साइंस फेल हो जाती है उधर अपना गुरु जी एक्शन दिखाते हैं। अब जैसे भगवान है, जो आम आदमी है उस वो इतनी वो दिखाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, फिर भी उससे कुछ होता नहीं। लेकिन गुरु जी जो करते हैं उनका रिजल्ट नजर आता है, पता नहीं चलता उन्होंने कैसे किया। अब मान लो किसी को कैंसर है या किसी को पथरी थी, गुरु जी ने हजारों आदमियों के कैंसर, पथरी, पता नहीं क्या क्या बीमारियां सही की हैं, तो वो उनकी इंस्टेंटली बीमारियां गुरु जी ने सही कर दी। ये उनको ये नहीं कि तुम ये करो वो करो तब सही होगा। तो गुरु जी ने जिसके ऊपर जैसी कृपा करनी हो उस टाइप से गुरु जी कृपा करते हैं। उसके बाद गुरु जी कहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो सोशलाइजेशन। मतलब मंदिर में आओ, छोटे मंदिर में आओ, बड़े मंदिर में आओ या मेरे किसी सत्संग में आओ, तो वहां पे आके तुम्हारा टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि मैंने गुरु जी के दर्शन करने जाने हैं या गुरु जी के मंदिर में जाना है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने जाना है, ना कि वहां पे ये देखने कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन VIP है, उससे मैं जान पहचान कर लूं तो उससे मैं काम निकलवा लूंगा। यदि किसी को भगवान भी भरोसा नहीं है तो क्या है, क्योंकि जो VIP आ रहा है, VIP भी इसलिए आ रहा है कि उसको गुरु जी कुछ दें,
या वो जिस पोजीशन में उससे ज्यादा अच्छी पोजीशन में हो, तो हमें यह समझना चाहिए कि जब हर बंदा गुरुजी के पास जा रहा है तो हम डायरेक्ट गुरुजी से ही कनेक्शन जोड़ें और ये गुरुजी के ऊपर छोड़ दे, जो हमारे लिए बेस्ट है वो गुरुजी देंगे। हमें गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ जाके बस ये कहना चाहिए गुरुजी जो मेरे लिए बढ़िया है वो करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे हम गुरुजी के पास जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास 1 करोड़ रुपया आ जाए, और गुरुजी ने हमने मांगा गुरुजी हमें 1 करोड़ रुपया दे दो, और गुरुजी ने 1 करोड़ रुपया दे दिया और 5 दिन के बाद कैंसर हो गया और बंदे की डेथ होगी, तो उस 1 करोड़ रुपए का बंदा करेगा क्या? तो गुरुजी कहते हैं मेरे पास आओ, मेरे साथ कनेक्शन जोड़ो, मेरी बेसिक छोटी छोटी बातें मानो जिसके अंदर 1 पैसे का खर्चा नहीं है, तो मैं सब कुछ देता हूँ। सबसे पहले गुरुजी क्या है, गुरुजी लाइफ एक्सटेंड करते हैं, गुरुजी हेल्थ देते हैं और वेल्थ वगैरह। तो जैसे मार्केट में स्कीम होती है 2 चीजें खरीदो तीसरी फ्री, तो वेल्थ तो फ्री ऑटोमेटिकली आ जाती है। जब हम गुरु के साथ कनेक्ट होते हैं सबसे पहले गुरुजी हेल्थ देते हैं, लाइफ एक्सटेंड करते हैं और पैसा तो ऑटोमेटिकली आता ही है। और जो बंदा गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, फिर गुरुजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को ये नहीं देखना पड़ता कि मुझे किस स्कूल में एडमिशन करवानी है, उसके पेरेंट्स देखते हैं कि कौन सा स्कूल बच्चे के लिए बेस्ट है। तो हम अपने गुरुजी को अपना माता पिता समझते हैं, सब कुछ समझते हैं गुरुजी को। तो यदि हम जो भी काम करते हैं गुरुजी का नाम लेके शुरू करें कि गुरुजी मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा हूं, लेकिन ये काम तभी होगा जब आपकी कृपा इसके अंदर बैठी होगी, तो वो काम बेस्ट से बेस्ट होगा। क्योंकि वो काम यदि हमने भगवान ये कर लिया कि हम भगवान के ने हमें निमित्त बनाया ये काम करने के लिए, तो जो काम होगा और गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया वो बेस्ट होगा। लेकिन यदि हम ये सोचें कि मैं कर रहा हूं, तो वो काम कभी उतना अच्छा नहीं हो सकता। जितना काम अच्छा काम तब होगा जब हम गुरुजी की कंसेंट से करें या गुरुजी के ऊपर छोड़ के करें। और सबसे बड़ी चीज यह है कि हमें हमेशा रात को सोने से पहले 2 मिनट 4 मिनट जो जितना भी कर सके गुरुजी का थैंक्स करके सोना चाहिए कि गुरुजी मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा आज का दिन तुमने बहुत आपने बहुत अच्छे ढंग से मेरा व्यतीत करवाया। और सवेरे जब उठते हैं तो भी 2 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए जितना भी आप समय निकाल सको, बेड भी बैठे बैठे गुरु जी का मन मन में नाम लो कि शुक्राना गुरु जी कि मेरी रात सही ढंग से निकाल दी, मेरा टाइम सही निकल रहा, इतना कोरोना फैल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आपने मेरे ऊपर कृपा बनाई है, आपकी कृपा के कारण ही मैं स्वस्थ हूँ। कि लोगों को कोई ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए भागना पड़ रहा है, इसके लिए भागना पड़ रहा है, लेकिन आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी भी है और कृपा बना के रखना। ये सवेरे और शाम हमेशा हर बंदे को करना चाहिए। उसके बाद अब कहते हैं एक्सपीरियंस शेयरिंग। एक्सपीरियंस शेयरिंग में क्या है कि मेरे हिसाब से गुरुजी के सत्संग का मतलब सत मैंने सच्चा, संग मैंने जो अपने साथ, मतलब गुरुजी के साथ जब हम कनेक्ट हुए हैं, कनेक्ट होने के बाद जो हमने ये चीज फील की हो, ये काम मेरा गुरुजी के कारण हुआ, वो हमारा एक्सपीरियंस हो गया। तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो पर्सनली मेरे साथ या हमारी फैमिली के साथ हुए। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी और कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ। तो जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए तो उस टाइम मैं शेयर ट्रेडिंग का काम करता था। मैंने 2 टर्मिनल लगाए हुए थे, एक टर्मिनल पे मैं काम करता था और एक मैं अपनी वाइफ को भी साथ में बैठा के रखता था। लेकिन मार्केट में डेली लॉस सा ही हो रहा था, या प्रॉफिट यदि कभी होता भी था बड़ा नेग्लिजिबल होता था। तो वैसे ही जैसे हम बैठे थे टर्मिनल के ऊपर, तो वाइफ ने मन में सोचा कि गुरुजी इनकी कोई परमानेंट सेटिंग करा दो। तो जैसे ही आंटी ने मन में सोचा कि गुरुजी इनकी कोई परमानेंट सेटिंग करा दो, तभी हमारे कोई दोस्त हैं दिल्ली में रहते हैं, उस टाइम तो वो संगत में नहीं थे लेकिन बाद में वो भी संगत से जुड़ गए, तो उनका फोन आता है कि ऐसे ऐसे मानेसर में कंपनी है और मेरे पास तो टाइम है नहीं, तो तुम जाके उसको ऑडिट कर सकते हो क्या? मैंने कहा कर लूंगा। तो जब मैं उधर गया ऑडिट के लिए, तो उस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ही लिव्स इन पुणे, तो उस दिन वो पुणे से आए हुए थे। तो पूछने लगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने कहा मेरी क्वालिफिकेशन CA एंड CS है। तो वो कहने लगे कि हमें तो कंपनी सेक्रेटरी अपने अपॉइंट करना था, तो देखो आपने यदि ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, ना उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस पूछा, ना कुछ पूछा, ना कोई सैलरी वगैरह की कोई बात हुई उस टाइम स्पेसिफिकली। तो वो कह रहे हमें तो यह भी रिस्पॉन्सिबल और ऑनेस्ट पर्सन चाहिए, आप ज्वाइन कर लो। और मैं तो मतलब आजकल मैं हूं, तो आप मुझे बता देना। मैंने कहा नहीं, मैं आपको ना वीरवार को बताऊंगा। तो एक दो दिन में वीरवार आने वाला था, क्योंकि गुरु जी का जो एम्पायर है, स्टेट है, छोटा मंदिर, वीर शुक्र शनि इतवार 4 दिन खुलता था। तो हमारी ये इच्छा होती थी कि हम सबसे पहले वीरवार को ही जाएं,
तो हम वीरवार का दिन था तो हम गए बड़े छोटे मंदिर में। तो जब गए तो मेरे अंदर तो हिम्मत होती नहीं थी कि मैं गुरुजी से कुछ पूछ सकूं। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि जब एंटर करेंगे तुम पूछना कि मुझे जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जब हम गए तो मेरी वाइफ ने कहा गुरुजी, गुरुजी ने कहा ज्वाइन करो। फिर वाइफ ने कहा गुरुजी आज इनको, तो गुरुजी ने कहा वाइफ करो। तब उसके बाद तीसरी बार आंटी ने पूरा बताना की कोशिश की तो गुरुजी ने कहा मैं ही तो जॉब दिलवाई है, ज्वाइन करो। तो मैंने फिर वो कंपनी ज्वाइन कर ली और अब गुरुजी की कृपा से मैंने वो कंपनी 2006 में ज्वाइन की थी और आज तक मैं पहले उधर सर्विस करता था, अब उस कंपनी का कंसल्टेंट हूँ। तो मतलब गुरुजी की कृपा से 2006 से लेके आज तक जो कोरोना काल हुआ जो भी हुआ वहां पे हूँ और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ना कंपनी की तरफ से दिक्कत है ना फाइनेंशियली कोई दिक्कत है। गुरुजी की कृपा से जितना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है। उसके बाद जब हमने गुरुजी के पास जाना स्टार्ट किया तो जो हमारा दोस्त था जिसने हमें बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी महाशिव हैं, ये सुप्रीम अथॉरिटी है, तो उसने कहा था कि घर से मंदिर सीधा जाया करो और सीधा आया करो, और यदि आप घर से मंदिर सीधा जाते हो और मंदिर से घर सीधा आते हो तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते ही हैं, कभी भी महसूस करके देख लो। तो हम जैसे सबको पता ही है उस टाइम जैसे हम जाना तो अपने हाथ में था, वापसी में लेट हो जाते थे। तो हम गए थे तो बड़े मंदिर से हम वापिस आ रहे थे तो रात के 10:30-11 का टाइम होगा और सर्दियों के दिन थे, ये नवंबर 2006 की शायद बात होगी। तो वापसी में जो डेरा गांव वाला कट है ना जहां पे ढाबा साथ है, तो उधर से हमने गलत कट ले लिया। तो जब कट ले लिया तो आगे जाके देखा रोड बंद है, रास्ता कहीं नहीं है। तो वहां पे अंधेरा था, उस टाइम मैं था गाड़ी में, मेरी वाइफ थी, दो बच्चे थे, बच्चे दोनों छोटे थे उस टाइम। तो एक दो बंदे खड़े थे, अंधेरा हो रहा था, उनसे पूछा कि भाई हमने गुड़गांव जाना है, तो वो कहने लगे जी रोड तो आगे बंद है तो आपको तो गाड़ी रिवर्स कर लेनी पड़ेगी। अब वो रोड छोटी थी, मेरे से गाड़ी भी रिवर्स लेने में मुझे दिक्कत थी। तो मैं जैसे ड्राइविंग सीट पे बैठा था तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की मनी मन में कि गुरुजी मेरा तो जो दोस्त है उसने ये कहा था कि यदि आप घर से मंदिर जाते हो सीधा और मंदिर से घर सीधा आते हो तो आप हमेशा हमारे साथ होते हो, हमारे साथ होते हो। मैंने कहा यहाँ तो हम फंस गए, आगे रोड नहीं है तो हम क्या करें, गाड़ी भी मेरे से तो रिवर्स नहीं होगी। तो तभी जैसे ही मैंने सोचा तभी मेरे गाड़ी का शीशा ड्राइविंग सीट पे जैसे मैं बैठा था ड्राइविंग सीट वाला शीशा किसी ने खड़काया, बाइक के ऊपर दो बंदे आए तो कहने लगे अंकल आपने गुड़गांव जाना है। मैंने कहा हाँ। तो वो कहने लगे ठीक है अपनी गाड़ी हमारी बाइक के पीछे लगा लो। तो उस टाइम मेरे माइंड के अंदर ये नहीं आया डर कि हमें लूट ना ले, भाई हम चारों थे दो बच्चे और मैं और वाइफ, और पहले लोगों ने तो कहा था कि रोड ही नहीं है, लेकिन क्योंकि वो गुरुजी के भेजे हुए दूत थे, ये साक्षात गुरुजी थे, तो हमारे मन में ये नहीं आया कि ये लूट ना ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले। तो हम बाइक के पीछे चलना स्टार्ट हो गए और मानोगे नहीं 500 मीटर के बाद जो गुड़गांव वाली मेन रोड है जो फरीदाबाद से आती है वो रोड आ गई। और इससे पहले हम उनका थैंक्स करते बंदों का जिन्होंने हमें वो रोड दिखाई, वो डिसअपियर हो गए। जैसे कृष्ण लीला वगैरह में सुनने में आता है कि मतलब रथ उसका जो है अटक गया तो पंचर लगाने कृष्ण जी पहुंच गए, तो सिमिलरली हमें हमारे लिए गुरुजी ने रोड बनवा दी और हम हाईवे पे पहुंच गए। ये भगवान के अलावा कोई और कर नहीं सकता। उसके बाद हमने सुना था कि गुरुजी को ये पता होता है कि संगत में से कौन कहाँ पे खड़ा है, या जैसे गुरुजी लंगर सबसे लास्ट में करते थे तो कई बार हमने सुना था कि एक बार गुरुजी को अगर गुरुजी लंगर कर लो तो गुरुजी ने कहा कि नहीं अभी तो संगत में से एक बंदा बचा है। तो किसी ने पूछा गुरुजी कौन है, हमारे हिसाब से तो समझे लंगर कर लिया। तो गुरुजी ने कहा जाओ तो उधर पेड़ के पीछे खड़ा है, ऐसे रेड टी शर्ट डाली हुई है और ऐसे कलर की उसने पैंट डाली हुई है, उसको बुला लाओ। तो वहां पे खड़ा था तो हमें लगा था यार पता नहीं ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। तो एक बार सिमिलर इंसिडेंट हमारे साथ ही हुआ। एक बार एम्पायर स्टेट की बात है, आंटी मेरी अंदर थी एम्पायर स्टेट के अंदर, क्योंकि मुझे गुरुजी ने कहा था लंगर के बाद तेरी छुट्टी, मतलब मैं अंदर नहीं बैठ सकता, मैं बाहर जहाँ पे जूते उतारते हैं ना ग्राउंड वहां पे खड़ा हो जाता था। तो रात के 11:30 के आसपास का टाइम होगा तो एक आंटी आई जो मुरली मनोहर जोशी है उनकी लड़की थी, तो मुझे कहने लगी अंकल आपका नाम राकेश गुप्ता है। मैंने कहा हाँ। कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा गुरुजी ने इसको मेरा नाम भी बताया, जबकि गुरुजी ने तो मेरे से आज तक मेरा नाम नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, और उसको समझा के भेजा हुआ कि क्या टी शर्ट डाली भी है क्या किया मैं। तो उसने आगे मुझे कहा अंकल आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैं गया गुरुजी के पास,
तो मैंने गुरुजी आपने बुलाया था, गुरुजी ने मेरे हाथ में एक कार्ड दिया, तब दिलेर मेहंदी का नोएडा में कुछ प्रोग्राम था, उसका इनविटेशन कार्ड दिया कि इत्थे आई। मैंने ठीक है गुरुजी, तो घर पे आके मैंने देखा तो उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था ओनली 2% आर अलाउड। तो जब बच्चों को भी पता चला कि गुरु मतलब दिलेर मेहंदी का प्रोग्राम है और गुरुजी का ब्लेस्ड प्रोग्राम है और गुरुजी ने कार्ड दिया है, तो बच्चे कहने लगे हमारे भी चलने का मन है। तो जब हम अगले वीरवार को गए तो गुरुजी ने कहा ले एक कार्ड भर ले, बच्चों ने भी ले जाई। मतलब गुरुजी को पता था कि एक कार्ड दिया तो एक कार्ड के ऊपर दो लोग जा सकते हैं, लेकिन बच्चों का भी जाने का मन है, तो गुरुजी तो मन की बात समझते हैं। तो जब हम नेक्स्ट टाइम गए तो गुरुजी ने एक कार्ड भर दे दिया, तो हम फिर गए उधर प्रोग्राम पे नोएडा में। और ये उसके बाद एक बार का मैं बताता हूँ क्या हुआ। जैसे मैंने बताया कि मुझे गुरुजी का ये आदेश था कि लंगर खत्म, लंगर के बाद मुझे अंदर नहीं रुकना है, मुझे बाहर जाना है, लेकिन आंटी अंदर ही रहती थी। तो क्या हुआ एक दिन कि मैं बाहर आ गया, आंटी अंदर थी, तो पीछे से मैं देखते रहता था क्योंकि गुरुजी जहां आसन पे बैठते थे तो पीछे का पर्दा खुला रहता था, तो पर्दे से गुरुजी नजर आते थे और संगत भी नजर आती थी। तो मैंने क्या देखा कि सब लोगों को बाहर बहुत जबरदस्त खुशबू आई कड़े प्रसाद की, और मैं देख रहा हूँ कि अंदर सबको कड़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कटोरी में, और मेरा भी बड़ा मन था, मुझे मीठा वैसे भी पसंद है, तो कड़ा प्रसाद देख के और गुरुजी का कड़ा प्रसाद देख के तो किसके मन में लालच ना है, तो मुझे भी लगा यार मुझे भी कड़ा प्रसाद मिलना चाहिए, लेकिन मेरा तो कैसे पता चलेगा कि मैं तो इधर खड़ा हूँ प्लॉट में जहाँ पे शूज वगैरह उतरते हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे हम कहते हैं ना अपना जुगाड़ लगाते हैं, तो मैं अपना लगा के जहाँ पे गुरुजी की किचन है एम्पायर स्टेट की, तो वहां पे कारपेट बिछा होता था, तो मैं कारपेट पे जाके बैठ गया, क्योंकि उस टाइम कम संगत होती थी और ज्यादातर एक दूसरे को बाई फेस जानते थे। तो मैंने कहा किसी की नजर पड़ेगी तो वो देखेगा कि हाँ भाई एक बंदा बाहर भी बैठा है, इसको भी थोड़ा सा कड़ा प्रसाद दे दें। तो उस टाइम कड़ा प्रसाद जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अर्जुन अंकल होते थे, वो कड़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे देख लिया। तो जब देखा तो वो कटोरी में डाल के मेरे पास कड़ा प्रसाद लेने के लिए, मतलब कड़ा प्रसाद देने के लिए आ रहे थे मेरे पास। इससे पहले कि अर्जुन अंकल मेरे हाथ में कड़े प्रसाद वाली कटोरी देते, उससे पहले गुरुजी प्रकट हो गए। गुरुजी कह रहे ऐसे की कर रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी मैं तो उधर था बाहर, तो यहाँ आके बैठा था, क्या तुझे कहा तेरी छुट्टी? तो अर्जुन अंकल ने कहा गुरुजी को, गुरुजी इसकी आंटी अंदर है। तो गुरुजी ने कहा ऐ कड़ा प्रसाद ले जा अंदर और इसकी आंटी नो भी भेज। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बड़ा लगा, मैंने कहा यार आंटी का भी रह गया मेरे कारण, और मैं तो जुगाड़ लगा के गया था कि मुझे भी कड़ा प्रसाद मिल जाए, गुरुजी ने इसको वापिस भेज दिया अंकल को, कहा आंटी को भी भेज दे। खैर वो अर्जुन अंकल जैसे अंदर गए तो मुझे गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे जा तू भी अंदर बैठ और आंटी को भी रोक ले। मतलब गुरुजी ने ये लीला दिखाई कि कैसे अर्जुन अंकल के आने से पहले गुरुजी अपने आसन से आगे मतलब हो गए, और अपनी ये लीला दिखाई कि कड़ा प्रसाद वापिस भेज दिया और उसके बाद मुझे भी अंदर जाने का मौका मिला, मैं अंदर बैठ गया। सिमिलरली एक बार हमारे साथ मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे हम गुरुजी ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि किसी को कहा था कि आपने हफ्ते में मैक्सिमम एक बार आना है, किसी को कहा था हफ्ते में आपने दो बार आना है, किसी की संगत के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि महीने में मैक्सिमम एक बार आना है। तो हमारे ऊपर गुरुजी ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि आपने हफ्ते में मैक्सिमम एक बार आना है दर्शन के लिए। तो एक बार मैं दिल्ली गया हुआ था अपने काम से, तो जब मैं वापिस आया तो एम्पायर स्टेट रस्ते में पड़ा, तो गाड़ी मैंने रोक ली, मुझे लगा कि जाना चाहिए गुरुजी के पास, लेकिन हम ऑलरेडी वीरवार को जा चुके थे, अगली बार जाना अलाउड नहीं था। तो मैंने घर पे फोन किया आंटी से, आंटी कहने लगी जब एक बार चले गए अब आपको जाना नहीं चाहिए। मैंने गाड़ी फिर स्टार्ट कर ली, लेकिन स्टार्ट कर ली फिर मुझे लगा नहीं चला जाना चाहिए, तो मैंने गाड़ी फिर रोक ली। खैर अल्टीमेटली मैंने सोचा कि मैं अंदर जाता हूँ, मैक्सिमम क्या है गुरुजी डांट ही लगाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है, और क्या कहेंगे, देखी जाएगी भगवान की तो डांट भी फायदे के लिए ही होती है, चला जाता हूँ। तो मैंने आंटी को फोन किया मैं जा रहा हूँ अंदर जाके, जो होगा देखा जाएगा। और मेरे माइंड में ना ये इच्छा होती थी कभी है ना गुरुजी के 12 बजने चाहिए, मतलब 12 बजे के बाद भी बैठने का मौका मिले, क्योंकि जैसे जैसे टाइम लेट होता जाता था ना वैसे वैसे लाइट म्यूजिक चलना शुरू हो जाता था, या बीच बीच में मतलब गुरुजी को देखते रहो बहुत आनंद आता था, फ्रेगनेंस आती थी, मतलब बहुत बढ़िया लगता था, जाने को मन नहीं करता था। तो ये ज्यादा लोग बैठे रहते हैं 12 बजे के बाद भी, दो दो तीन तीन बजे तक, हमें गुरुजी जल्दी भेज देते हैं, तो
एक दिन हमें भी 12 बजे तक का मौका मिलना चाहिए। तो मैं उस दिन जब सेकंड टाइम गया तो मुझे तो ये था गुरुजी डांटेंगे, लेकिन मैं चला गया और मैं बैठ गया जाके एम्पायर स्टेट में, और उस दिन मैं बैठा भी गुरुजी के कंपैरेटिवली नजदीक, लेकिन अपनी आंखें मैंने नीचे झुका ली ताकि गुरुजी से नजर ना मिले, क्योंकि मुझे ये था कि जैसे मैं आंखें मिलाऊंगा गुरुजी डांटेंगे या ये कहेंगे भाई तो क्यों आया सेकंड टाइम, भाई वापिस जा। लेकिन उस दिन मैं बैठा रहा, लंगर प्रसाद भी किया, चाय प्रसाद भी किया, और लंगर प्रसाद के बाद भी मैं बैठा रहा और गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। 11:30 बज गए, 11:45 बज गए, 12 बज गए। उसके बाद गुरुजी अपना चोला चेंज करने, जो आसन है गुरुजी की जो गद्दी है, गद्दी के सामने जो कमरा है एम्पायर स्टेट का, उधर चोला चेंज करने के लिए उठे। तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार देखो आज तो मैंने गुरुजी की आज्ञा तोड़ के मैं सेकंड टाइम गया, लेकिन आज 12 भी बजने वाले हैं, 12 भी बज जाएंगे। तो मैं गुरुजी अपना चोला चेंज करने गए, मैं बाहर जहाँ पे ना वाटर कूलर होता था उधर गया, मैंने बाहर जाके फोन करता हूँ आंटी को कि आज तो 12 भी बज गए और गुरुजी ने कुछ कहा भी नहीं। तो मैं जैसे बाहर गया तो बाहर ऑलरेडी गुरुजी दूसरी ड्रेस में थे, जैसे अंदर येलो चोला था तो बाहर पिंक चोले में थे। मुझे कहने अत्ते की कर रहे हैं, मैं देख के बड़ा हैरान, मैंने कहा अंदर तो गुरुजी दूसरी ड्रेस में थे और गुरुजी तो अपनी ड्रेस चेंज करने गए थे, चोला चेंज करने गए थे, लेकिन यहाँ पे भी गुरुजी हैं और यहाँ पे डिफरेंट ड्रेस के अंदर है। तो मुझे फिर उस दिन गुरुजी ने दिखाया, जैसे कहते ना भगवान, ओनली गॉड कैन अपीयर एट मोर देन वन प्लेस, कि भगवान ही ऐसा होता है कि जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक जगह से ज्यादा जगह पे विराजमान हो सकते हैं। तो वो उस दिन गुरुजी ने हमें दिखाया कि मैं ही भगवान हूँ, अंदर भी मैं हूँ, बाहर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, उधर भी मैं हूँ। तो उस दिन गुरुजी ने अपना डबल रूप डबल दर्शन दिया। सिमिलरली अब मैं बताता हूँ एक बार क्या हुआ, जैसे बच्चे हमारे छोटे थे उस टाइम, तो ये होता था छोटे बच्चों को लाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम बच्चे हमारे साथ चले जाते थे एम्पायर स्टेट, तो हम ट्राई करते थे कि उनको लेके ना जाए, लेकिन फिर भी बच्चों का मन करता था महीने में चलो एक बार ले जाओ तो ले गए। लेकिन एक बार क्या, हम उसको दो महीने तक नहीं लेके गए। तो रात को 11 बजे का टाइम था, तो रात को 11 बजे बच्चे कहने लगे पापा हमारे गुरुजी के दर्शन करने का मन है। तो मैंने भी कहा कोई बात नहीं मैं करा लेता हूँ, तो मैं तो जा चुका, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तो मैं एम्पायर स्टेट के बाहर छोड़ दूंगा एंट्री पे, तुम अंदर चले जाना दर्शन कर लेना गुरुजी के फिर आ जाना। तो खैर जी मैं, बच्चों को भी था कि नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन 11 बजे मैंने गाड़ी स्टार्ट की और एम्पायर स्टेट चला गया। गाड़ी पार्क करने के बाद मैं और दोनों बच्चे एम्पायर स्टेट के बाहर तक चले गए, लेकिन मैं तो अंदर जा नहीं सकता था, तो बच्चों को मैंने कहा अंदर जाओ। अब बच्चे अकेले अंदर जाने की अंदर हिम्मत ना हो बच्चों में कि भाई हम दोनों अकेले अंदर कैसे जाएं, अंदर संगत भी है, गुरुजी हैं, कभी कुछ कहें। लेकिन अब देखो गुरुजी को ये था, जैसे भगवान मन की बात जानते हैं ना हमारे सबकी, बच्चों के मन की बात भी जानते हैं, गुरुजी को ये था कि बच्चों के अंदर इतनी तीव्र जिज्ञासा है मेरे दर्शन करने की कि रात को 11 बजे अपने पापा से कहा और वो लेके आए। तो गुरुजी अपने अपनी गद्दी से उठ के अपने कमरे में चले गए सामने जहाँ पे ड्रेस चेंज करने जाते हैं। तो जैसे ही गुरुजी उठ के गए वैसे ही बच्चे जाके गुरुजी की गद्दी के नजदीक बैठ गए। तो वैसे तो गुरुजी जब अपने रूम में जाते थे अपने आसन से उठ के एम्पायर स्टेट के अंदर, तो कुछ टाइम के बाद आते थे क्योंकि अपना चोला चेंज करने के बाद आते थे, लेकिन उस दिन गुरुजी जैसे अंदर गए और जैसे ही बच्चे बैठे तो तभी गुरुजी दोबारा आगे वापिस आगे अपने आसन में विराजमान हो गए। तो बच्चों से कहने लगे और तुसी कित्थे हो, पंजाबी में बोलने लगे तुसी कित्थे हो। तो बच्चों ने कहा गुरुजी गुड़गांव से, किदे नाल आए हो, कहा पापा दे नाल, केडे पापा, इन्हों का सी वो सीए दे बच्चे, ठीक है। तो गुरुजी चलो दर्शन हो गए ना हुन जाओ, तो बच्चे बाहर आ गए, मैं उन्हें गाड़ी में बिठा के लिया। अभी देखो कि भगवान के अलावा कौन ऐसा हो सकता है कि रात को 11 बजे बच्चे गए, रात को 11 बजे बच्चे ये तो कह सकते हैं कि हमने आइसक्रीम खाने जाना है या हमने फिल्म में जाना है मूवी में जाना है ये करना है वो करना है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हमने रात के 11 बजे मंदिर जाना है। बच्चों ने कहा, उसके बाद भगवान ने उनको दर्शन भी दिए और उनके साथ बात भी की और फिर बच्चे बड़े खुश रहे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सपीरियंस, जैसे हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट में जाते थे तो जब हम गुरुजी के दर्शन करके आते थे तो पर्टिकुलरली जो मेरी आंटी है उसके कपड़ों में कम से कम एक दिन तक फ्रेग्रेंस रहती थी, जैसे वो आके अपने कपड़े अपनी अलमारी में जैसे टांग देती थी हम सूंघते रहते थे, अगले दिन भी उसके अंदर से रोज वाली फ्रेग्रेंस आती थी, सवेरे देखो तो भी आती थी, दोपहर में देखो तो भी आती थी, रात को देखो तो भी आती थी। उसके बाद
मैं नेक्स्ट सुनाता हूँ। एक बार जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा, उसके बाद डुगरी के अंदर जब मंदिर का, डुगरी का जो मंदिर है गुरुजी का, वहां पे हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोर रखना था, तो फाउंडेशन स्टोन करने के लिए उधर कुछ गाड़ियां गई, तो हम भी उस टाइम डुगरी गए हुए थे, तो तब सिंगला अंकल होते थे, तो एक गाड़ी के अंदर सिंगला अंकल बैठे, मैं बैठा और मेनका गांधी बैठी। तो तभी प्रकाश सिंह बादल आ गया, तो प्रकाश सिंह बादल का ये मन था कि मैं भी उसी गाड़ी में बैठूं जिसके अंदर मेनका गांधी बैठी थी। तो सिंगला अंकल ने मुझे कहा, अंकल आप दूसरी गाड़ी में चले जाओगे? मैंने हाँ चला जाऊंगा। तो गाड़ी से मैं उतर गया और प्रकाश सिंह बादल उसके अंदर बैठ गया, जो प्रकाश सिंह बादल की गाड़ी थी उसके अंदर, मुझे कहा सिंगला अंकल को इसके अंदर बैठ जा। अब जो गुरु जी ने दिखा दिया कि प्रकाश सिंह बादल उस टाइम चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, तो चीफ मिनिस्टर है वो तो ऑर्डिनरी गाड़ी में बैठा था जो नॉर्मल गाड़ी थी, मुझे गुरुजी ने चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में बैठा दिया, और मेरी गाड़ी के आगे भी सिक्योरिटी थी, उसके पीछे भी सिक्योरिटी थी, जैसे चीफ मिनिस्टर की गाड़ी के आगे पीछे सिक्योरिटी होती है, सिमिलरली मेरी गाड़ी के आगे। तो उस दिन मुझे किसी से टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए गुरुजी ने चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में बैठा दिया, तो वो अपना ही गुरुजी की लीला थी। उसके बाद जैसे हमने एक्सपीरियंस सुना था कि गुरुजी ने कई लोगों की गाड़ी बिना पेट्रोल के चलवाई, तो ये हमारे अपने साथ भी हुआ है। एक बार क्या हुआ, ये बात है 2007 की, कि हमने अंबाला जाना था, तो मेरे पास जैसे गाड़ी तो है ही, स्कूटर भी था, तो उस दिन सवेरे जब मैं उठा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो जाना तो हमने बस से था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो हमने कहा चलो बस से चले जाएंगे। तो मैंने स्कूटर उठाया, LML स्कूटर था उस टाइम, तो गुड़गांव में हम रहते हैं, तो इफ्को चौक के पार्किंग में पार्क कर दिया और वहां से हम चले गए अंबाला। तो अंबाला से जब वापिस आए तो रात के मेरे ख्याल से 1:30-2 बजे का टाइम होगा और जनवरी का महीना था, तो रात को जब आए तो मेरा स्कूटर स्टार्ट ना हो, तो LML का स्कूटर था, तो मैंने उसका वो उठा के देखा जैसे वो खोल के, उसमें पेट्रोल बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल टेढ़ा करो तो भी स्टार्ट ना हो। तो खैर जी मैं उसको थोड़ा सा खिसकाते हुए, तो इफ्को चौक के नजदीक 400-500 मीटर पे एक पेट्रोल पंप होता था, तो मैं रात के 1:30-2 बजे के करीब उसे पेट्रोल पंप पे पहुंचा, तो पेट्रोल पंप पे जो वर्कर होते हैं वो सोए हुए थे, तो उनसे मैंने कहा भाई थोड़ा सा पेट्रोल दे दो, वो कहने लगे चाबी तो बाबूजी के पास होती है, वो तो सवेरे आएंगे 6-7 बजे, बाबूजी तो 6-7 बजे आएंगे मॉर्निंग के अंदर, तो चाबी दे दो। तो मैंने कहा भाई ठंड का टाइम है डाल दो, पैसे ज्यादा ले लेना, वो कह रहे जी हमारे पे है ही नहीं पर तो हम डाल लेते, तो खैर जी उन्होंने डाला नहीं। अब मेरे साथ उस टाइम मैं था, वाइफ थी, तो मैंने खैर दोबारा एक बार फिर ट्राई किया, स्कूटर को टेढ़ा किया और मन में ये याद किया, मैंने कहा गुरुजी हमने तो एक ऐसा एक्सपीरियंस सुना है आपका कि आपने किसी को रात को संगत को कहा कि चलो जलंधर चलो, और उसकी गाड़ी में पेट्रोल था नहीं, तो वो गाड़ी जलंधर तक चली गई, वापसी में भी आपने शायद चंडीगढ़ जाना था या पंचकूला जाना था, तो जहां उतरे तब आपने उसको कह दिया, गाड़ी में शिफ्ट हुए दूसरी गाड़ी में, तब उसको बोल दिया आपको पेट्रोल डलवा लियो, बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी, मतलब जब तक गुरुजी गाड़ी में बैठे रहे तो गाड़ी चलती रही, जैसे ही गुरुजी उतरे तो पेट्रोल उसको भरवाना पड़ा। तो सिमिलरली जब मैंने एक्सपीरियंस अपने मन में इसका थॉट क्रिएट किया तो मेरा स्कूटर भी स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो हमारा घर आने वाला था, आधा एक किलोमीटर हमारा घर रह गया होगा, तो वाइफ ने कहा कि चलो अब तो यदि बंद भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब तो पैदल भी हम जा सकते हैं। तो मैंने कहा स्कूटर रुकेगा नहीं, कहने लगे क्यों, मैंने कहा इसकी जो पेट्रोल वाली सुई है वो फुल पे आ गई। तो आप ये देखो जिस स्कूटर के अंदर पेट्रोल था नहीं उसके अंदर गुरुजी ने पेट्रोल फुल कर दिया। खैर जी हम घर पहुंच गए बिना किसी प्रॉब्लम के, लेकिन जैसा हमारा स्वभाव होता है मुझे लगा हो सकता है टेम्परेरी पेट्रोल बनाओ अब खत्म हो गया होगा, तो मैं शाम को एक बोतल पेट्रोल लिया है, मैंने चलो इमरजेंसी में डाल के रख लेता हूँ, जैसे उस दिन जरूरत पड़ी स्कूटर की फिर पड़े, तो मैं जो एक बोतल पेट्रोल लाया और जब स्कूटर में डालने लगा देखा वो स्कूटर में जो पेट्रोल का लेवल था बिल्कुल फुल था, उसके अंदर मतलब थोड़ा सा भी पेट्रोल डालना हो तो वो डल नहीं सकता था। तो ये गुरुजी की लीला है कि स्कूटर बिना पेट्रोल के चलवा दिया, ये भगवान के अलावा कोई और कर नहीं सकता। फिर नेक्स्ट एक्सपीरियंस बताता हूं मैं आपको, जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उन्हें पता होगा, ध्यान होगा कि 2008 में शेयर मार्केट में बहुत जबरदस्त क्रैश आया था, 8 फरवरी का दिन था शायद, 8 फरवरी की बात है, जब जो NSE का जो इंडेक्स था 6400 होता था, वो भी पीक पे था, जैसे आजकल शेयर मार्केट पीक पे चल रही है, तो मार्केट में क्रैश आया
और वो 2-3 दिन लोअर सर्किट लगता रहा और वो इंडेक्स 2800 पे आ गया था, 2800 पे आ गया 6400 से। और मैंने उस टाइम हेजिंग वगैरह में नहीं करता था, तो मैंने जो जिन्हें पता होता ना पुट वगैरह सेल की भी थी और बहुत ज्यादा की भी थी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, जैसे गुरु जी कहते हैं उतने पैर फैलाओ जितनी चद्दर हो। लेकिन मैंने मतलब कोई ऐसा मिल गया था कि उसके बिना मार्जिन के काम कर लो, बहुत ज्यादा काम किया हुआ था और मेरा लॉस अप्रोक्सीमेटली 1.25 करोड़ के करीब का हो गया था उस टाइम। तो किसी अंकल के थ्रू पहले गुरुजी का मैसेज आया था, भी तू शेयर मार्केट में काम तो नहीं करता। फिर दोबारा मैसेज आया, तू शेयर मार्केट में काम तो नहीं करता, ये इंसिडेंट होने से पहले। और फिर उसने ये भी बोल दिया था कि गुरुजी ने कहा है शेयर मार्केट में काम करेगा तो तेरा मकान भी बिक सकता है, मकान गिर भी हो जाऊ। लेकिन मैंने उसको झूठ बोला कि हाँ मैं शेयर मार्केट में काम नहीं करता, दूसरी बार भी झूठ बोला, लेकिन अल्टीमेटली मुझे 1.25 करोड़ का लॉस हो गया। तो जब ये लॉस हुआ 1.25 करोड़ का, उसी तभी मेरी मदर एक्सपायर हुई थी, तो मैं क्रिमिशन ग्राउंड से आया ही था, उसी अंकल का फोन आता है और अंकल सब ठीक है। तो मैंने कहा भी ऐसे ऐसे मदर एक्सपायर हो गई है, मैं तो उधर आया हुआ हूँ। तो उन्होंने मदर एक्सपायर होने का तो कोई वो नहीं किया। तो मैंने उनसे पूछा अंकल मार्केट और कितनी क्रैश होगी, क्योंकि मेरा 1.25 करोड़ का तो लॉस ऑलरेडी हो चुका था, क्या तूने क्या करना, तू तो शेयर मार्केट में काम ही नहीं करता। तो उस टाइम बड़े से बड़ा एनालिस्ट ने ये नहीं कहा था, जैसे इंडेक्स जो था उस टाइम 6400 से 2800 आ गया था, तो किसी ने ये नहीं कहा था कि एनएससी का 1000। उस अंकल ने बोला ये 1000 आएगा इंडेक्स, और अल्टीमेटली 1000 आया भी था जिन्होंने करना हो। तो मेरा लॉस इतना था, जैसे उन दिनों बहुत लोगों ने सुसाइड किया, किसी ने छत से छलांग मार दी, किसी ने कुछ कर दिया, तो हमारी भी ये पोजीशन होगी कि 2-3 दिन हमने घर की लाइट नहीं जलाई कि कोई पैसा मांगना ना आ जाए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। लेकिन आप गुरु जी की लीला देखो कि जब हम वापिस आ रहे थे, जैसे तब मैं अंबाला गया हुआ था, जब वापिस आ रहे थे तो FM चलाया हुआ था, FM में आ रहा था कि शेयर मार्केट में आज भी 20% का सर्किट, ये वो, और उसने जान दे दी, उसने जान दे दी। तो हमने उस अंकल को फोन किया जिनका फोन आया था, तो वो कहने लगे अंकल चलो तुम घर पहुंचो, कितनी देर में घर पहुंचोगे, हम भी तुम्हारे घर आ रहे हैं। तो वो अंकल अपनी आंटी को लेके और एक और अंकल हो रहे हैं, वो अपनी आंटी को लेके सारे हमारे घर आ गए कि अंकल अब बताओ एग्जैक्ट कितने का लॉस हुआ। मैंने कहा ऐसे ऐसे 1.25 करोड़ का लॉस हो गया। तो कहने लगे फिर अब क्या करोगे, मैंने कहा फ्लैट सेल करना पड़ेगा। वो कहने लगे ये नहीं बेचना, और क्या, मैंने कहा ज्वेलरी से तो कोई इतना पैसा आएगा नहीं, ज्वेलरी भी बेचनी पड़ेगी, कह रहे ये भी नहीं करना। तो मैंने फिर क्या करें, कहने लगे गुरु जी का मैसेज आया है कि इसको इतना ज्यादा नुकसान हो गया, मदर भी इसकी मतलब एक्सपायर होगी, इसको भी इतना ज्यादा नुकसान हो गया, ऐसे समय में भी इसने मेरे अलावा किसी और को याद नहीं किया, ना इसने भगवान राम को याद किया, ना किसी और भगवान को याद किया, सिर्फ मेरे ही सिमरन किया। और क्योंकि इसने ऐसे टाइम में भी सिर्फ मेरा सिमरन किया, तो उसको बचाने के लिए मतलब मैं ऐसी लीला रच रहा हूं कि इसका लॉस मैनेजेबल कंडीशन में आ जाएगा। मैनेजेबल कंडीशन में फिर क्या हुआ, उस दिन यूएस में मीटिंग थी फेड रेट कट की, तो यूएस की हिस्ट्री में उस दिन 2.5 या 3% फेड रेट कट हुआ था 2008 में, और उसके बाद पी चिदम्बरम उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर होता था, तो उसने ये अनाउंसमेंट कर दी कि जिसका मार्जिन भी खत्म हो गया उसके भी सौदे काटे ना जाए। तो इन दो चीजों का इम्पैक्ट ये हुआ, जो मार्केट 2800 पे आ गई थी वो 4900 पे आ गई थी फिर 2-3 दिन में बढ़ के। तो मेरा लॉस जो है मैनेजेबल लॉस हो गया था, और मैंने उसके लिए कोई जैसे लोन वोन लिया तो उसकी जितनी इंस्टॉलमेंट बनी उसनी मेरी सैलरी वगैरह बढ़ गई गुरु जी की कृपा से। तो मतलब मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड है या फाइनेंशियल पोजिशन है उसके ऊपर गुरु जी ने कोई फर्क नहीं आने दिया इतना जबरदस्त होने के बाद। उसके बाद अगला एक्सपीरियंस मैं सुनाता हूँ, ये बात है 14 मई 2021 की। मेरे कोई फ्रेंड है दिल्ली में, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जब हम गुरु जी से कनेक्ट हुए तो उसके बाद उनका ही फोन आया था कि मनेसर में की ऑडिट करने के लिए। तो 14 मई मैं उनको बहुत बार बोलता था कि भाई आप गुरु जी का मंदिर है मंडे को जाना कभी, तो 14 मई मंडे को जाया करो, हाँ मंडे को जाया करो। लेकिन वो मेरी बात मानते नहीं थे, वो कहते थे मुझे तो ना ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, ज्यादा लोग पसंद नहीं है। लेकिन जो 14 मई 2007 की बात है, उससे पहले दिन उनको रात को गुरुजी का ड्रीम आता है कि भाई कल मेरे दर्शन करने हैं, मैं तुझे खुले में दर्शन दूंगा। तो उनका मुझे सवेरे फोन आता है कि भाई क्या मैं आज मंदिर का, गुरुजी का आया था तो मैं आज मंदिर जाऊंगा। तो मुझे उस दिन पता था, तब कंस्ट्रक्शन चल रही थी, कि आज तो शाम को मंदिर बंद होगा, और नोटिस बोर्ड पे लिखा पता उस दिन 14 मई 2021 को
जो 4 मई 2007 को जो भी संगत है उसको ध्यान होगा कि तब उस दिन बोर्ड लगा हुआ था मंदिर में कंस्ट्रक्शन के कारण शाम को मंदिर आज 6 बजे बंद हो जाएगा, क्योंकि मंडे को मंदिर तब खुलता था चाय प्रसाद के लिए। तो लेकिन वो अंकल भी पहुंचे 14 मई 2007 को और हम भी पहुंचे, तो हमें पता चला रास्ते में किसी मैं आज तो गुरुजी आए हुए हैं। तो उस दिन गुरुजी ने पूरी संगत से बात की और उन अंकल को बुलाया, जैसे ड्रीम में दिखाया था, जैसे कहते हैं ना गुरुजी ड्रीम में भी आगे जो चीज कहें वो 100% ट्रू होते हैं, वो 100% सत्य वचन होते हैं। तो गुरुजी ने कहा और आए, और वो मतलब जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जो वो मंदिर में आए, उनको उन्होंने कम से कम उस दिन मंदिर में उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी मंडे को नहीं आते। उन्होंने बहुत लोगों से पूछा क्या गुरुजी हर मंडे को मंदिर में आते हैं, सबने कहा नहीं गुरुजी तो कभी नहीं आते, आज ही आए हैं फर्स्ट टाइम, हमने तो देखा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपीरियंस मैं अपना सुनाता हूँ। एक बार क्या था कि गुरुजी शादी के कार्ड वगैरह, जैसे संगत में किसी की शादी होती थी तो गुरुजी कार्ड दे देते थे कि शादी में जाना, तो जाते थे। तो एक बार हम शादी में गए पानीपत में, किसी की मैरिज थी। तो वापसी में जब हम आए, तो वापसी में जो आए दिल्ली कैंट है, जैसे उस रेड लाइट से मैंने टर्न लिया तो पंचर हो गया, रात को 1:30-2 बजे का टाइम होगा। अब जब पंचर हो गया, मैंने तो कभी आज तक भी अपने हाथ से स्टेपनी नहीं बदली गाड़ी की, जब भी हो तो मैकेनिक से ही चेंज करवाते हैं, मेरे अपने बस का है नहीं कि मैं मतलब स्टेपनी चेंज कर लूं। तो हम मानोगे कि रात को 1:30-2 बजे का टाइम था दिल्ली कैंट वाली रेड लाइट के ऊपर, तो जब मैंने देखा कि टायर पंचर हो गया तो मैं गाड़ी से उतरा, तभी एक कैब रुकी। तो वो कहने लगा अंकल मैं स्टेपनी चेंज कर दूं, अदरवाइज जो गाड़ी वाला भी भाई साहब बोलता या कुछ और बोलता, उसने अंकल कहा अंकल मैं गाड़ी चेंज कर दूं, टायर चेंज कर दूं, स्टेपनी चेंज कर दूं, मैंने कर दे। उसने कहा स्टेपनी चेंज कर दी, और मैंने उसके बाद उसको पैसे देने की कोशिश की, उसने कहा नहीं कर्म भी कुछ होते हैं, और वो बिना पैसे लिए मतलब चले गए। उसके बाद जब अगले दिन हम एम्पायर स्टेट में गए तो गुरुजी ने कहा वापसी बीच कहीं परेशानी तो नहीं हुई, तो मतलब गुरुजी ने ये भी बता दिया कि हमें पंचर लगा था, मतलब गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, तो उसके अंदर भी कोई परेशानी नहीं होने दी। तो ये चीज कौन कर सकता है, भगवान ही कर सकता है, भगवान के अलावा कोई और कर नहीं सकता। उसके बाद जो मेरी बेटी है, बेटी का गुरुजी ने नाम चेंज करवाया, उसके बाद उसकी बीकॉम ऑनर्स वगैरह की उसके अंदर एडमिशन करवाई, फिर एमबीए की, एमबीए के अंदर उन्होंने गुरुजी ने एडमिशन कराई, फिर उसकी उस टाइम जैसे रिसेशन होने के बावजूद भी 2-3 जगह से उसकी प्लेसमेंट हो गई थी, फाइनली वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है। फिर उसके बाद गुरुजी ने उसकी शादी फिक्स करवाई, और शादी फिक्स कराने का देखो जिस वेन्यू में हुई वहां पे गुरुजी गए हुए थे। जब हमने कार्ड दिया तो सिंगल अंकल से पता चला कि उस वेन्यू में गुरुजी भी ऑलरेडी गए हुए हैं, और कई संगत ने हमें कहा भाई इस कार्ड के अंदर आपने क्या कुछ खुशबू डाली हुई है, कि जो हमने कार्ड दिया कुछ संगत तो मतलब 2-3 लोग तो संगत के चंडीगढ़, जैसे हमने चंडीगढ़ जाके शादी की थी वो केवल इस कारण शादी में आए, कह रहे थे कार्ड के अंदर से फ्रेग्रेंस आ रही है, हमें लग रहा है ये कार्ड गुरुजी ने दिया, मतलब कार्ड के अंदर गुरुजी ने फ्रेग्रेंस रख दी। और शादी वाले दिन गुरुजी ने ये लीला की, जिस दिन बेटी की शादी थी तो हमारा जो प्रोग्राम था मतलब जो वेन्यू था ओपन भी था क्लोज भी था, ये था कि पहले ओपन में बैठना था बाद में खाने के लिए अंदर था। मौसम इतना खराब हो गया, चारों तरफ बारिश, जो भी दिल्ली से या इधर से गए मौसम बड़ा खराब था, लेकिन गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने जैसे बादलों को रोका हुआ, जैसे ही बेटी गाड़ी में बैठी तो एकदम बहुत जबरदस्त बारिश होनी स्टार्ट होगी और रोड से भी पानी खड़ा हो गया, लेकिन जब तक हमारा प्रोग्राम चला गुरुजी ने बारिश को रोके रखा। उसके बाद अगला एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मेरे अपने साथ ही हुआ है, ये भी बात है 2007 की, कि मेरे दो दांतों का रूट RCT हुआ, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, तो बहुत मेरे दांत में पेन हुआ, तो मैं डेंटल क्लिनिक पे गया, और जो डेंटल क्लिनिक वाले जो डॉक्टर थे वो भी संगत के ही थे, तो इसलिए ये भरोसा था कि जो डॉक्टर बताएगा वो सही बताएगा, ऐसा नहीं है कि लूटने के चक्कर में गलत गाइड करें। तो वो जो डॉक्टर थे उन डॉक्टर ने कहा भाई इसके अंदर ना जो दांत है उसके नीचे पस आ गई है, तो इसलिए इसको सर्जरी करनी पड़ेगी, दोनों दांतों को थोड़ा कट करना पड़ेगा, और सर्जरी भी आपको जल्दी से जल्दी करवानी पड़ेगी, अदरवाइज पस बढ़ती जाएगी और नॉन टॉलरेबल पेन होगा। और उन्होंने जो पेन किलर दिया मुझे, उस पेन किलर में भी ये था, कह रहे खा लो इससे दर्द थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन दर्द फिर भी बहुत रहेगा कम होने के बावजूद भी। खैर
और सर्जरी का आप बता देना किस दिन करवानी है, तो मुझे सर्जन को बुलाना पड़ेगा और तब आपकी शुगर वगैरह भी कंट्रोल होनी चाहिए। उस टाइम तो मुझे शुगर थी नहीं, लेकिन फिर भी जब उस डॉक्टर के पास से गए तो रस्ते में एक लैब थी, वहां से शुगर वगैरह टेस्ट करवा दी। लेकिन फिर किसी का संगत में से फोन पे बात हुई कि ऐसे ऐसे हो गया, तो वो कहने लगा एक होम्योपैथिक का डॉक्टर है, एक बार उसके पास चले जाओ, वो डॉक्टर भी गुरु जी के सिद्धांत पे चलता है। तो हम उस डॉक्टर के पास गए होम्योपैथिक वाले पे, तो उसको बताया, तो उसने होम्योपैथिक की कोई दवाई दी। और आप ये देखो कि 2007 की बात है, एलोपैथी डॉक्टर ने जो संगत का ही डॉक्टर है और उसने गलत गाइड नहीं किया होगा, उसने जो कहा था कि सर्जरी ही करानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट है नहीं। लेकिन उस होम्योपैथिक के डॉक्टर ने 4-5 ड्रॉप्स मेरे मुंह में डाली और मुझे लगा वो डॉक्टर गुरु जी, मतलब डॉक्टर जो है गुरु जी डॉक्टर के मुंह से बोल रहे हैं। उस डॉक्टर ने बोला तेरा जो डॉक्टर है ना डेंटल डॉक्टर है वो भी हैरान हो जाएगा कि दर्द कहाँ गायब कर दिया मैंने। मतलब उसने 4 ड्रॉप्स दी और कुछ गोलियां दी जो 8-10 दिन खानी थी। तो जैसे ही उसने ड्रॉप्स दी मेरा दर्द घटना शुरू हो गया और 5-6 दिन में बिल्कुल खत्म हो गया। उसके बाद वो जो एलोपैथी वाला डॉक्टर था, डेंटल डॉक्टर था, उसका फोन आता है कि अंकल कब का टाइम लेना। मैंने कहा मेरा तो दर्द ही खत्म हो गया। कह रहा कैसे? फिर मैंने उसको बताया, कह रहे तो फिर तो गुरु जी की लीला ही है, अदरवाइज तो दर्द खत्म हो ही नहीं सकता। तो ये दांत वाला है। उसके बाद है कि गुरु जी जब अपने हाथ से प्रसाद देते थे, गुरु जी का हाथ बहुत छोटा था और हमारी संगत दोनों हाथों से प्रसाद लेती थी, फिर भी दोनों हाथ भर जाते थे। एक बार लोहड़ी की बात है, तो हम गए गुरु जी के पास, तो उन्होंने हर संगत को ना एक एक दो दो पैकेट उसका दे रहे थे रेवड़ी के प्रसाद का। अब आप देखो यदि रेवड़ी का जो प्रसाद है पॉलीथीन में हो या पन्नी में हो, यदि आप बाजार से लेके आओ रेवड़ी और उसको खुला छोड़ दो तो उसमें सीलन आ जाएगी एक दो दिन में। लेकिन जो गुरु जी की रेवड़ी का प्रसाद था जो गुरु जी ने अपने हाथ से दिया, तो हम जैसे मैं था, वाइफ थी, दोनों बच्चे थे, सबको अलग अलग दिया, तो सबने अपने अपने घर में ला के सबने अपने अपने खाने में रख लिया और हमने रोज एक एक करके रेवड़ी खाई। और आप ये देखो यदि एक रेवड़ी का जो पैकेट था हमने 2 महीने में खत्म किया, तो जो रेवड़ी हमने 60वें दिन भी खाई वो भी वैसे ही करारी थी जैसे पहले दिन करारी होती है, मतलब किसी में किसी तरह की सीलन वगैरह नहीं आई। तो ये है कि जो गुरु जी हैं, गुरु जी साक्षात भगवान है, ऐसी लीला कोई और कर नहीं सकता। इसी तरह एक बार क्या था, हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो जब हम घर से चले तो आंटी ने मन में सोच कहा कि गुरुजी आज मतलब हमें ब्लेस करना, मतलब कुछ ना कुछ दिखा देना, मतलब कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, मतलब बात कर लेना कुछ ना कुछ। तो जब हम गए लंगर किया, तो जब गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा चल सिए दी बोटी। मतलब वैसे गुरुजी ने कभी ये नहीं कह के बोला उसको कि सिए दी बोटी, लेकिन उस दिन कहा, उस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी और गुरुजी ने ब्लेस करना था, कह दिया। गुरुजी का ब्लेस करने का ढंग अपने जिस ढंग से भी उन्होंने ब्लेस करना हो। उसके बाद जो बड़ा मंदिर है, गुरुजी ने कहा जो बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिर साक्षात स्वर्ग लोक है, शिवपुरी है, और इसके अंदर गुरुजी ने इतनी शक्तियां भरी हुई हैं कि जितने भी हमारे तीर्थ स्थान है पूरे वर्ल्ड के, उन सारे तीर्थ स्थानों को जोड़ लो उस और उनकी सारी शक्तियां काउंट कर लो, उन सारी शक्तियों से ज्यादा शक्ति सिर्फ हमारे बड़े मंदिर के शिवलिंग में। और बड़े मंदिर के अंदर हमने क्या क्या गुरु जी की लीलाएं अपनी आंखों से देखी हैं वो मैं बताता हूं। एक बार क्या हुआ, अब बैसाखी का फंक्शन होना था, तो जब बैसाखी का फंक्शन होना था, ये भी 2006 की बात है, तो ऊपर जो झंडा लगा हुआ है शिवलिंग के ऊपर वो चेंज होता था, तो झंडा चेंज करने के लिए ऊपर जैसे उस टाइम लिमिटेड संगत होती थी, हम भी उसके अंदर से एक थे, तो ऊपर जब गए हुए थे तो झंडा चेंज करने के लिए ऊपर गए थे, तो अचानक जो वो शिवलिंग है उसके अंदर जैसे 3 लाइनें बीच में एक गोल सर्कल सा बना हुआ है आपका, तो वहां से अचानक अमृत प्रकट हुआ। तो आप गुरु जी की लीला देखो, अदरवाइज तो अमृत कभी वेस्ट तो जा नहीं सकता, तो किसी के हाथ में जग था तो उसने जग लगाया तो थोड़ा सा अमृत उसके अंदर इकट्ठा कर लिया, तो जो भी संगत थी सबने उस दिन चखने का मिला, सबने वो थोड़ा थोड़ा अमृत पान किया, तो उसके अंदर से हम भी हैं जिन्होंने मैं मेरी वाइफ बच्चे हैं जिन्होंने अमृत का पान किया, तो वो निकला है, ये हमारे सामने हुआ। एक बार हमारे सामने हुआ जो गुरु जी की समाधि है, तो हमें सबको ऐसा लगा, ये नहीं सिर्फ मुझे लगा, मेरी वाइफ को भी ऐसा लगा, बच्चों को भी लगा, हमें ऐसा लग रहा है जैसे समाधि में से त्रिशूल निकल रहे हैं और वो शिवलिंग में समा रहे हैं, जैसे निकल रहे हैं, जैसे कोई लीला दिखा रहे हैं उस दिन गुरु जी, समाधि में से त्रिशूल निकल रहे हैं और शिवलिंग में समा रहे हैं।
इसी तरह एक बार हमारे सामने होली, जैसे हम तो जितने भी फंक्शन होते हैं होली दिवाली सब गुरुजी के साथ ही मनाते थे, मंदिर में जाते थे, छोटे मंदिर में जाते थे, बड़े मंदिर में जाते थे, लेकिन सारे त्योहार गुरुजी के ही मनते थे हमारे, तब से गुरुजी से हम कनेक्ट हुए, होली हो दिवाली हो कुछ हो। तो एक बार होली पे हम बड़े मंदिर गए तो उस दिन जो शिव जी की मूर्ति है ब्रास वाली, उसमें से केसर प्रकट हुआ, ये हमने अपनी आंखों से देखा, कलर आए वो हमने अपनी आंखों से देखा। एक बार ये जो बाहर मार्वल वाली मूर्ति है शिव जी की, इसके अंदर यदि कंटिन्यूअसली कुछ टाइम हम देखें मूर्ति की तरफ तो आई बोल में थोड़ा सा मूवमेंट होता है, वो हमने भी देखा है। एक बार मंदिर के अंदर हम थे, ओले पड़े, तो जो मंदिर ओले जो ओले मंदिर की चार दीवारी के अंदर पड़े, उसके अंदर सब में अलग अलग शेप्स थी, जो गुरुजी के टाइम पे प्रसाद मिलता था, किसी में जलेबी थी, किसी में कुछ था बना में, किसी में कुछ था बना में। तो हमने बाहर घर पे आके पूछा पड़ोसियों से, अड़ोसे थे, यहाँ जो ओले पड़े वो कहते हैं नॉर्मल ओले थे गोल वाले, लेकिन मंदिर में जितने भी ओले पड़े वो सारे वो थे शेप्स वाले। इसी तरह जैसे एक बार का एम्पायर स्टेट का मैं बताता हूँ, एक बार क्या जो संगत आ रही थी, सारी संगत बहुत भीग के आ रही थी, बहुत बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो गुरुजी जो किचन है, किचन के बाहर जो है उधर सेटी उसके ऊपर बैठे थे, तो गुरुजी खड़े हुए, गुरुजी ने सिंगला अंकल उस टाइम होते थे चाय प्रसाद देते थे, तो सिंगला अंकल से कहा, सिंगला जी की गल है, संगत परेशान लग रही है, सारी भिगी भिगी आ रही है। तो सिंगला अंकल ने कहा, हाँ गुरुजी बारिश बहुत तेज है इसलिए सारी भिगी भिगी आ रही है। तो गुरुजी जैसे खड़े हुए और गुरुजी ने अपना एक चरण आगे रखा, तो गुरुजी ने फिर कहा सिंगला को, हुन वेख सही हो गया होना। तो जैसे ही गुरुजी ने गुरुजी तो अंदर थे, तो जैसे ही एक चरण गुरुजी ने आगे रखा अपना और बारिश रुक गई, तो उसके बाद सारी संगत सूखती भी आई। इसी तरह एक हमारे घर में सत्संग हुआ गुरुजी का, दो तीन बार हमारे घर में सत्संग हुआ, तो जब भी हमारे घर में सत्संग हुआ तो गुरुजी ने रेकोगनाइज किया, हाँ भाई जैसे गुरुजी को पता हो कि सत्संग हुआ। एक बार का मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्या है कि हमारे यहाँ जब सत्संग होना था तो हमारे मन में ये था, एक रिंकू सिंगल है जो रिंकू सिंगर है जो गुरुजी के भजन गाते हैं गुरुजी के टाइम से, जो जिसका सबसे फेमस भजन है मुझे चाहिए ना महल मकान गुरुजी मैनु चरनी ला लो रिंकू का। तो हमने उसको कहा, वो भी हमें पर्सनली जानते हैं, तो हमने उसको कहा अंकल हमारे यहाँ सत्संग है गुरुजी का, तो आपने तुमने आना है? कह रहा हाँ ठीक है अंकल आंटी मैं आऊंगा। ठीक है, तो जब सत्संग होना था, सत्संग से 5-6 दिन पहले हमें सबको सपने आने शुरू हो गए कि गुरुजी का सत्संग है, लेकिन 5-6 बजे तक ना तो घर की सफाई हुई है और जहाँ पे गुरुजी का आसन लगने हैं माँ झाड़ू उसके आसपास रखी है, और मतलब अजीबोगरीब सपने आने शुरू हो गए। तो उसके बाद जब हम बड़े मंदिर गए तो वहां पे एक अंकल मिले, तो वो अंकल भी गुरुजी से काफी कनेक्टेड है और वो गुरुजी के प्रिंसिपल पे ही चलने की कोशिश करते हैं। तो हमने उनसे कहा अंकल एक चीज पूछनी थी आपसे, क्या क्या? मैंने कहा ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं तो क्या चक्कर है? तो वो कहने लगे अंकल एक चीज बताओ, जो गुरुजी का आप सत्संग करवा रहे हो घर में, ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हो या गुरुजी को बैठाया हुआ है? मैंने सत्संग तो गुरुजी का ही है, लेकिन दिमाग तो मैं अपना लगा ही रहा हूं कि भाई ऐसे करेंगे तो बढ़िया होगा, ऐसे करेंगे। वो कह रहे हैं आप है ना सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो, अपने हिसाब से कुछ मत करो, बस जो टाइम दे दिया जिसको गुरुजी ने भेजना है गुरुजी उसको भेजेंगे, ये गुरुजी सिलेक्ट करते हैं कि उसके सत्संग उनके सत्संग में किसने जाना है किसने नहीं जाना, सिर्फ तुम अपना काम करो। तो उसके बाद मंडे को हम जैसे मंदिर में थे तो सत्संग ये था कि अब सत्संग में हम प्रसाद क्या रखें, तभी एक आंटी बैठी थी कि आंटी मुझे तो है ना आज मैंने इडली डोसा इडली बनाई थी बहुत अच्छी बनी, तो आपके यहाँ सत्संग है तो मैं इडली बना दूं? तो आंटी ने कहा कि ठीक है इडली बना देना, लेकिन पहले हम टेस्ट करेंगे कि भाई आप सही बनाते हो नहीं बनाते हो, क्योंकि गुरुजी के यहाँ सत्संग में इडली प्रसाद जैसे रखने हैं तो कम से कम खाने में बढ़िया होनी चाहिए। तो खैर वो अपने घर लेगी उसने हमें इडली खिलाई, हमने कहा ठीक है। कड़े प्रसाद किसी और आंटी ने कहा कि मैं आके बना दूंगी इडली, वो आंटी आ गई तो घर में बना। तो आप उस दिन देखो कि हमारे घर में जब सत्संग था तो हमारा ये था कि अप्रोक्सीमेटली 200 के करीब लोग आएंगे, तो 200 की के हिसाब से जो था मैं प्लेटें 300 के करीब ले आया था, डिस्पोजेबल प्लेट्स जो होती हैं, लेकिन इडली हमने फिर 450 के करीब बनाई थी कि ठीक है थोड़ी एक्स्ट्रा कोई हो तो सबको दो दो देनी है 450 बना लो। लेकिन जब मैंने देखा 5 बजे का टाइम था, हमारा सारा 5 बजे मतलब हॉल पूरा हो गया, बालकनी पूरी हो गई, कमरे फुल हो गए, तो 300-350 संगत हो गई होगी। तो वो जो अंकल हैं जिनसे हमने पूछा ना कि ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, उन्होंने कहा था गुरुजी का सत्संग गुरुजी के ढंग से होगा, आपको चिंता करने की जरूरत। उन्होंने अंकल ने देखा
कि मुझे टेंशन होगी कि लंगर छोड़ना पड़ जाए। तो वो अंकल कहने लगे, अंकल आपको टेंशन है? मैंने कहा हाँ थोड़ी है तो सही। वो कह रहे आपको टेंशन रखने की जरूरत, हमने ये देखा कि गुरुजी के सत्संग में दीवारें हिलती भी, यदि संगत ज्यादा हो जाए दीवारें एक्सपेंड हो जाती हैं, तो आपके यहाँ तो जी संगत है, वो गुरुजी का काम है लंगर को पूरा करना। और आप ये देखो कि जो मैं जितनी प्लेटें लाया था, जैसे हमने 200 संगत के हिसाब से अरेंजमेंट किया था, प्लेटें 300 लाया था, वो 300 के 300 अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट सारी प्लेटें लगी, सबको दो दो इडली दी, जिसने घर पे लेके जाने के लिए वो भी दी, कोई चीज सोर्ट नहीं पड़ी, ये गुरुजी की लीला है। और उसके बाद हमें पता चला जब हम एम्पायर स्टेट में गए, वो सिंगर मिला रिंकू, कहने लगा आंटी मैंने आना तो था लेकिन गुरुजी ने कह दिया तू गुप्ता अंकल के सत्संग में नहीं जाना, क्योंकि फिर हमें लगा कि इसका मतलब गुरुजी ने उसको इसलिए कह दिया कि ये सोच रहे थे कि जब रिंकू आएगा तो सत्संग अच्छा होगा, लेकिन गुरुजी का सत्संग होता है, सत्संग कैसा होगा वो गुरुजी के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि गुरुजी के ऊपर छोड़ो, और गुरुजी का सत्संग हमेशा बढ़िया होता है। बस सिर्फ गुरुजी के सत्संग में होना चाहिए कि दिल से करो, और ये कोई जरूरी है कि बंदे ज्यादा हो तो वही सत्संग बढ़िया होता है। गुरुजी कहते हैं आप बैठो, आंटी को बैठा लो, बच्चे बैठा लो, या एक दो बंदे और बैठा लो, वरना कोई और भी ना, आप खुद मेरे से बातें कर सकते हो, और प्रैक्टिकली गुरुजी बातें करते हैं। तो मतलब ये नटसेल के अंदर कि भगवान के बारे में कोई नाम मात्र भी नहीं बता सकता कि भगवान की क्या लीला है, भगवान को ना कोई समझ सकते हैं ना कोई भगवान की लीला के बारे में 0.0001% भी बता सकते हैं। तो मैंने सिर्फ जो हमारे एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ हुए वो मैंने अपनी तरफ से शेयर करने की कोशिश की है, और बाकी हमारे ऊपर गुरुजी ने, मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, अब गुरुजी की कृपा से मेरे दोनों बच्चे सेट हैं, हम दोनों बच्चे, जो लड़की है लड़का है, दोनों गुरुजी की कृपा से इतने कैपेबल हैं कि दोनों अपने पैरों पे खड़े हैं, दोनों वेल सेटल्ड हैं, लड़के की भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुई भी है, और लड़का बेंगलोर में है, बेटी बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छी पोजिशन के ऊपर। तो गुरुजी की कृपा से दोनों बच्चे गुरुजी ने अच्छे ढंग से पढ़ाए और अच्छे ढंग से उनको सेट करवाया। तो मेरी तो यही है कि जैसे गुरुजी ने हमारे ऊपर कृपा बना के रखी हुई है, तो हमें गुरुजी शक्ति दे कि हम गुरुजी के जो बेसिक निर्देश हैं, जैसे मोबाइल स्विच ऑफ करना, अकल रफर बाहर छोड़ के जाना, सोशलाइजेशन ना करना, इसके ऊपर हम अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं, जैसे कोशिश करते हैं वैसे कोशिश करते हैं, और बाकी संगत भी इनको अमल करने की कोशिश करें, और गुरुजी की कृपा दृष्टि अपने ऊपर बनवाने की कोशिश करें। जय गुरुजी, जय गुरुजी।